सबसे पहले खबर देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही फॉलो जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। शहर में बढ़ता डेंगू का प्रकोप, रोजाना मिल रहे हैं नए केस, 10 महीने के बच्चे सहित मिले 5 नए पॉजिटिव केस, विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मुनक पुल के पास तेज कार की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की हुई मौत, आरोपी चालक कार सहित हुआ फरार, थाना सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर के अलग अलग जगहों से 3 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में हुए लापता, विभिन्न थानों की पुलिस कर रही है युवकों की तलाश। सेक्टर 25 पार्ट 2 स्थित कोठी में प्यूमा कंपनी के स्टिकर लगाकर ट्रैक सूट और टी शर्ट बनाने वाली पकड़ी गई फैक्ट्री, फैक्ट्री मालिक को भी किया गया गिरफ्तार। स्मालखा कस्बे में बाइक सवार दो बदमाशों ने बाजार से लौट रही बुजुर्ग महिला के गले से झपटी सोने की चैन, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बाजारों में अतिक्रमण के चलते रोज लगता है जाम, इसी कड़ी में पानीपत हैंडलूम एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन ने बुलाई बैठक, बैठक में अतिक्रमण स्वयं हटाने का लिया गया फैसला। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं। साइबर क्राइम जागरूकता महीने के तहत जिला पुलिस की टीमों ने एक साथ विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को साइबर क्राइम के विरुद्ध जानकारी देकर किया जागरूक। डीसी सुशील सारवान ने आम जन से की अपील, जिले में ग्रीन पटाखों को छोड़कर किसी भी तरह के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के किए गए हैं आदेश जारी, इसलिए कोई भी इन आदेशों की ना करे अवहेलना। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा की गई निर्धारित, निर्धारित खर्च सीमा के अनुसार ही उम्मीदवार अपने चुनाव में कर सकते हैं खर्च, सभी उम्मीदवारों को खर्चे से संबंधित ब्यौरा भी करवाना होगा जमा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।